अजमेर आइकॉन 2019 के तहत अजमेर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले 19 नायकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आईपीएससी के चेयरमैन आईएएस दीपक उप्रेती ने शिरकत की और साथ ही अजमेर सांसद भगरत चौधरी, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मंच का मान बढ़ाया। कार्यक्रम में एडिटर इन चीफ एंड सीईओ जी मीडिया पुरुषोत्तम वैष्णव भी मौजूद रहे। जी राजस्थान अपनी सामाजिक सरोकारों के तहत समाज में बेहतर काम करने वाली प्रतिभाओं का हमेशा सम्मान करता है। इसी कड़ी में जी राजस्थान ने ख्वाजा नगरी अजमेर को नई पहचान दिलाने वाले नायकों को अजमेर आइकन्स 2019 के तहत सम्मानित किया। अजय रावत, सैंड आर्टिस्ट। अजय रावत को मिट्टी से आकृतियां बनाने में महारत हासिल है। स्मिता भार्गव, कथक नृत्यांगना, बीते 28 सालों में हजारों बच्चों को कथक सिखा चुकी हैं। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आरपीएससी के चेयरमैन आईएएस दीपक उप्रेती ने शिरकत की। साथ ही अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने भी शिरकत की। इसके साथ ही एडीएम सिटी सुरेश सिंधी और सीआरपीएफ कमांडेंट भरत कुमार वैष्णव के साथ कई गणमान्य जन नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपके दिल्ली से भी कई शोधार्थियों ने अपने शोध पूरे किए हैं। दुनिया के कई देशों में आपको सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में एडिटर इन चीफ एंड सीईओ जी मीडिया पुरुषोत्तम वैष्णव जी की मौजूदगी में जी राजस्थान की तरफ से 19 नायकों को अजमेर आइकॉन्स 2019 के तहत सम्मानित किया गया। इस मौके पर जी मीडिया के सीईओ और एडिटर इन चीफ पुरुषोत्तम वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज जी राजस्थान मनोज साकला को अजमेर आइकॉन अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। अनामिका और मनीष योग साधक, आप दोनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर का गौरव बढ़ाया है। और पृथ्वीराज चौहान, मेरवाड़ा स्टेट एक ऐसा स्टेट था जिसका दिल्ली तक विराज था। इतिहास में बहुत कम वो पल आते हैं जब किसी और ने दिल्ली पर राज किया हो। हिंदुस्तानी सम्राट एकमात्र पृथ्वीराज चौहान थे और हम उसकी धरती से हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस गौरव के साथ में ये धरती ख्वाजा गरीब नवाज की भी धरती है और तीर्थराज पुष्कर की भी धरती है। और इन सब के बीच में संस्कृतियों का जो सामंजस्य और जो समन्वय यहाँ की के लोगों में देखने को मिलता है, यहाँ के नागरिकों में देखने को मिलता है, वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। इसलिए विशेष महत्व हो जाता है अजमेर की धरती का और अजमेर में रहने वाले लोगों का। अजमेर वैसे तो मेरी पैतृक जमी भी है, मेरा शहर भी अजमेर ही है, इसलिए विशेष प्रेम मेरा भी है। और मेरा विशेष आग्रह था हमारी जी मीडिया राजस्थान की टीम से कि अजमेर में एक ऐसा आयोजन किया जाए जिससे उन लोगों को हम सम्मानित कर पाएं, उन लोगों को हम सम्मान दे पाएं जिन लोगों ने अजमेर की शान और अजमेर की पहचान बनाए रखने में योगदान दिया है और अजमेर की शान को बढ़ाया है। और इसी कारण अजमेर आइकॉन अवार्ड का हम आयोजन कर रहे हैं। इस अवार्ड के माध्यम से सिर्फ एक कोशिश है कि किस तरीके से एक आम शहरी, एक आम आदमी भी इस शहर को आगे बढ़ा सकता है, आगे की मंजिल पहुंचा सकता है और पूरे देश ही नहीं संपूर्ण विश्व समुदाय में अपनी पहचान बना सकता है। इसलिए आज अजमेर आइकॉन अवार्ड का हमने आयोजन किया है। और जी राजस्थान के लिए मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि हम जी राजस्थान के द्वारा इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे आरपीएससी के चेयरमैन आईएएस दीपक उप्रेती ने जी राजस्थान की इस पहल की सराहना की।
ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जी राजस्थान खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों को सम्मानित करता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।